ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। चर्चा होने जा रही है यहाँ पर कृषि फसलों के वायदा बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कैसा सीड से। रूपा जी देख रहे हैं कैसा सीड का दिसंबर वायदा 6496 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6560 का हाई भी लगा चुका है और आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी आपको क्या लग रहा है, क्या कैस्टर सीड का वायदा बाजार आज 6500 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगा हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6500 से सिर्फ 4 पॉइंट की दूरी पर है लेकिन 6560 का भी हाई लगा चुका है। देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है और ये रेंज में है, इसमें अभी फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है, ना तो ये नीचे गिर रहा है और ना ही ये ऊपर जा पा रहा है। तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि अभी जो है आज देखा जाए तो आधा फीसद ऊपरी स्तरों से गिरा हुआ है, 6420 तक इसका लो भी लगा हुआ है, तो 6400 से लेकर 6600 इसकी फिलहाल रेंज है और इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में अभी यहाँ से एक बार नीचे में 6400 तक जा सकता है अगर गिरा यहाँ से मार्केट, और बाउंस बैक में 6580 तक मैक्सिमम अपसाइड बन सकती है। जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2716 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आधे फीसदी की करेक्शन के साथ। रूपा जी आपको जो टारगेट था 2700 का वो हमने पहले ही बहुत पहले अचीव होता हुआ देख लिया था पिछले सप्ताह ही, अब यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से 2700 के बाद इसी कारोबारी सप्ताह 2800 के भी लेवल्स बिनौला खल पर देखने को मिल पाएंगे? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 2800 तक का स्तर जो है बिनौला खल में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट हम तो 2800 से 3000 एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर बाइंग है और अभी भी इसके अंदर आज भी इंट्राडे में भी एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में 2760 तक एक बार बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो 2800-2850 के भाव भी इसमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। रूपा जी बात करें अगर धनिए की, तो धनिया का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 8788 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है आधे फीसदी की तेजी के साथ। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से धनिया 9100 के बाद से अब 8700 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो क्या अब यहां से एक रेंज में देखने को मिलेगा बिनौला खल या फिर धनिया, या फिर धनिया के अंदर यहाँ से तेजी भी देखने को मिल पाएगी? देखिए धनिया में ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है और दिसंबर वायदा में थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया है ऊपरी स्तरों पर, और देखा जाए तो जनवरी वायदा अभी भी 9000 के ऊपर ही है, तो मुझे लगता है कि इसमें तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है, कोई बहुत ज्यादा अभी एक्सपेक्टेड नहीं है गिरावट अभी, और एक करेक्शन जरूर ड्यू है वो जरूर आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जनवरी वायदा की अगर हम यहाँ से बात करें तो 9200 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देख रहे हैं जीरा भी एक बार फिर से 16000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ट्रेड लौटा है, अपनी पटरी पर लौटता नजर आ रहा है जीरा, आपको क्या लगता है क्या जीरे में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी जैसे पहले देखने को मिली थी? देखिए पहले भी हमने 16500 से 600 तक इसको ऊपर जाते हुए देखा था और आज भी वही लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि एक बार टच हो सकते हैं, और उससे ज्यादा ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 17000 तक की मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है, लेकिन 16800 के ऊपर अगर निकलता है तभी लंबी तेजी की तरफ जीरा जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में भी तेजी है तो 200-300 पॉइंट की करेक्शन अभी करंट लेवल से भी देखने को मिल सकती है। जी देख रहे हैं जो हल्दी है, हल्दी का दिसंबर वायदा भी 7600 पर ही सस्टेन होकर चल रहा है। रूपा जी हमने मसालों में काफ़ी अच्छी रैली निकलते देखी है, अब देख रहे हैं कि एकदम से एक रेंज देखने को मिल रही है, सुस्ती भी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्या जीरा हल्दी और धनिया अब ऐसे ही रेंज में ट्रेड करते नजर आते रहेंगे? देखिए फिलहाल जो है अभी हमें एक जो एक्सपेक्टेड था कि घरेलू डिमांड जो है वो बढ़ सकती है शादियों के सीजन के चलते, एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, अब आप देखिए वापस से जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके चलते थोड़ा सा बाजारों में उठा पटक देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने फ्राइडे को भी देखा कि सभी एग्री कमोडिटीज लाल निशान के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए, जैसे ही ये कोरोना के वेरियंट का की खबरें बढ़ने लगी तो उसका इम्पैक्ट जो है सभी मार्केट्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, इक्विटी मार्केट्स भी लुढ़क गए, कच्चा तेल भी लुढ़क गया और उसके साथ एग्री कमोडिटीज में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन देखा जाए तो ये अभी जो है मार्केट जो है काफी उठापटक दिखा रहा है, इसी के खबरों के चलते बाजारों में उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन मसालों का आउटलुक जो
बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए एक्सपोर्ट डिमांड जरूर हैम्पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं इन सब खबरों के चलते। अगर ये सब फ्लाइट्स वगैरह बैन की जाती हैं तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट जो है सभी एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे और कुछ इम्पोर्ट्स भी इसके इससे हैम्पर हो सकते हैं, जिसकी वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल सकता है। और मसालों की बात करें तो पहले ही मसालों में हमने एक्सपोर्ट्स में गिरावट आते हुए देखी थी, अभी पीछे कुछ एक्सपोर्ट संभलते हुए नजर आए जिससे बाजार उठता हुआ दिखाई दिया और अब वापिस से बाजारों में वैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसको फिर हो सकता है कि आपको छुटमुट करेक्शन इसके अंदर भी आती हुई दिखाई दे। तो अभी जो है त्योहारी सीजन के फेस्टिवल सीजन के चलते एक डिमांड पिकअप हो रही थी जिसकी वजह से इनमें तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और इनके अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इस बार धनिया का प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है तो जिसकी वजह से वो उसको सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्दी का प्रोडक्शन अच्छा खासा है और हल्दी के अंदर बाजार जो है इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेनेबिलिटी दिखा सकता है। अगर हम दिसंबर वायदा की बात करें तो 7800 तक है ऊपर में, जबकि अप्रैल वायदा ऊपर में आपको 8800 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड आज भी नरमी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10,500 पर ट्रेड कर रहा है और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 5,900 के करीब। रूपा जी आपको क्या लग रहा है, क्या बाजार यहाँ से अभी और टूटता नजर आ सकता है, क्या ग्वार गम ग्वार सीड की कीमतें NCDX पर और नीचे जाती नजर आ सकती है, अभी क्या और करेक्शन संभव है? देखिए ग्वार कप और ग्वार सीड में 10,000 का एक लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट तो नीचे में और ज्यादा गिरावट बढ़ सकती है ग्वार के अंदर। देखिए अब संभल नहीं रहा है, मार्केट लगातार करेक्शन में आ रहा है और अभी अगर 10,000 का लेवल टूट जाता है तो आप मान के चलिए 9800-9500 के बीच स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर 10,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो वापिस से ऊपर में आपको 12,500-13,000 का भी लेवल एक्सपेक्टेड है देखने को मिल सकता है। देखिए अभी जो क्रूड में गिरावट आई उसका भी असर ग्वार की कीमतों पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से ऊपर स्तरों से बाजार लुढ़कते हुए दिखाई दिए। रूपा जी बात करें अगर सोयाबीन की तो सोयाबीन की कीमतें हमने 6,900 भी पिछले कारोबारी सप्ताह जाते हुए देखी, हालांकि वहां पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली और वहीं आज देख रहे हैं कि 6490 के घरों में ट्रेड करती नजर आ रही है दिसंबर वायदा। आपको क्या लग रहा है जिस हिसाब से जो 400-500 पॉइंट की जो नरमी एकदम से बनती नजर आई है, क्या यहां से करेक्शन अभी और गहराएगी या फिर ये जो लो लेवल्स देखने को मिली है 3% का लोअर सर्किट देखने को मिला हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, ये अच्छे लेवल्स हैं सोयाबीन में ऊपरी स्तर पर मुनाफा कमाने के? देखिए बिल्कुल ये जो है सोयाबीन में जो गिरावट आई है 3% का आज सर्किट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड तो है कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है और ये लेवल्स जो है अट्रैक्टिव हो सकते हैं खरीदारी के लिए। और अगर बात की जाए हमें जनवरी वायदा की तो बिल्कुल इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा और वेट कीजिए, अगर करेक्शन आती है तो वहां पर वापिस से खरीदारी करके चला जा सकता है। तो यानी कि सोयाबीन में खरीदारी करने के लिए थोड़ा रुक जाए, थोड़ी और करेक्शन आने दें, जब थोड़े और निचले स्तर देखने को मिले तब वहाँ पे खरीदारी की रणनीति अपनाएं और फिर वहाँ पे ऊपर निचले स्तर पर खरीदारी करके ऊपरी स्तर पर मुनाफा कमाएं। रूपा जी यहाँ से अगर निचले स्तर और देखने को मिलते हैं सोयाबीन के तो ऊपरी स्तर क्या देखने को मिल पाएंगे? देखिए एक बार आप अपना सवाल दोहराइए। रूपा जी जैसे हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में अभी 6490 के स्तर पर ट्रेड होता नजर आ रहा है, अगर कीमतें यहाँ से और टूटती हैं तो हम ऊपर में क्या लेवल्स देख पाएंगे सोयाबीन के अंदर? देखिए अगर ऊपरी स्तरों की बात करें तो अखिलेश ऊपर में अभी जो एक्सपेक्टेड है वो 6800 तक मैक्सिमम तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जनवरी वायदा में देखने को मिल सकती है और नीचे में 6200 का स्तर हो सकता है कि आता हुआ दिखाई दे। तो ये लेवल्स हैं अभी नीचे में जिस तरीके से आज 3% का करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीछे हमने बहुत अच्छी रैली आती हुई देखी है उसके चलते अब करेक्शन का जोन आ चुका है और अभी यहां से हो सकता है आज आपको इंट्राडे में 4% तक की गिरावट देखने को मिले, यानी करंट लेवल से भी 100-150 पॉइंट की गिरावट बन सकती है। जी बात करें यहाँ से अगर MCX कॉटन की तो MCX कॉटन में आपकी क्या रहेगी, हमने एक अच्छी रैली के बाद एक अच्छी गिरावट भी देखी है फिर वहां से कीमतें कुछ संभलती हुई भी नजर आई हैं, अब आपको यहाँ से क्या लगता है मैक्सिमम कॉटन में मैक्सिमम MCX कॉटन में कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए कॉटन में अभी जो कीमतें लुढ़कती हुई दिखाई दी थी अब सस्टेन हो सकती हैं, आगे चल के एक डिमांड पिकअप हो सकती है और कॉटन में अभी फिलहाल जो है बाजार जो है इसी रेंज में आप कह सकते हो कि कुछ समय तक देखने को मिल सकते हैं और आगे जनवरी ऑनवर्ड्स जो है प्राइजेस में करेक्शन भी ड्यू है, वो प्राइजेस और ज्यादा वहां पर गिरते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए फिलहाल के लिए
अगर देखा जाए कॉटन के अंदर, तो आज भी अगर हम देखें वायदे के अंदर कॉटन संभलती हुई नजर आई है और 32,000 के बेहद करीब है, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अभी 32,500-33,000 का लेवल एक्सपेक्टेड है कि एक बार मार्केट में फिर से देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार बिनौला खल को लेकर आ रहा है। भादर जी हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है कि बिनौला खल अभी और कितना माइनस में जा सकता है, बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी किस लेवल पर सही रहेगी? देखिए माइनस में तो नहीं है ये मार्केट, ये तेजी में ही है बिनौला खल। आप देखिए आज जरूर हल्का गिरा है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम इसमें अपसाइड देख रहे हैं और नीचे में आपको 2660 तक अगर मिलता है तो आप उसमें बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट दिसंबर में बाइंग नहीं लेना आपको, अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो जनवरी में आप 2680 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं सादिक मोमिन जी जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि बिनौला खल पर कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसका कितना इम्पैक्ट बनता नजर आ सकता है, क्योंकि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्सपोर्ट भी बैन हो जाए? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई पेंडेमिक आती है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी इम्पैक्ट कर जाता है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? रूपा जी, सादिक मोमिन जी जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि बिनौला खल पर कोरोना के नए वेरिएंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पेंडेमिक जैसी कोई भी सिचुएशन आती है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता नजर आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कोरोना के चलते बिनौला खल पर भी इम्पैक्ट आता नजर आ पाएगा? देखिए नहीं, इसका इतना बहुत ज्यादा कोई असर नहीं है फिलहाल बाजारों के ऊपर, और बिनौला खल के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है अभी फिलहाल के लिए, और बाजार मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई करेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ अरोड़ा जी हैं जिनका सवाल शुगर को लेकर आ रहा है, ये शुगर के फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, ऑलरेडी प्राइसेस काफी अपसाइड में आ चुके थे, अब यहाँ से रेंज में रहते हुए दिखाई दे सकते हैं और लंबी तेजी फिलहाल शुगर में नहीं है। जी आपको बता दें कि शुगर का जो उत्पादन है विदेशों में भी प्लस भारत के अंदर भी काफी ठीक ठाक देखने को मिला है, अगर भारत अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी कर देता है तब भी भारत के पास इतने एडिक्वेट अमाउंट में शुगर अवेलेबल होगी कि जितनी डिमांड है उससे कई ज़्यादा अगर डबल भी करा जाए, खपत भी हो तब भी शुगर बच जाएगी। अभी भारत के पास शुगर का, चीनी का इतना प्रोडक्शन है, तो चीनी की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। रूपा जी, रजत गुप्ता जी हैं जो सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सरसों में आगे क्या रहेगा, सरसों में क्या कोरोना का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मंडियों के ऊपर हाजिर में? देखिए सरसों में अभी बाजारों में हल्की सी गिरावट जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी देखिए सभी एडिबल ऑयल पैक एक बार में प्रेशर जो है वो कोरोना के चलते देखने को मिल रहा है कि, और अभी जो है प्राइसेस के ऊपर एक दबाव है, इसके चलते सरसों भी थोड़ा सा डाउनसाइड में जा सकती है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, फ्रेश बाइंग लेना नहीं है, और अभी बाजारों में थोड़ा सा करेक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं मंगल प्रजापत जी जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन में किस लेवल पर निवेश कर सकते हैं और क्या कोरोना के नए वेरिएंट का सोयाबीन पर इंपैक्ट होगा? देखिए अभी कोरोना के नए वेरिएंट का कितना इंपैक्ट होगा मार्केट्स के ऊपर ये भी फिलहाल देखना है, अभी कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और अभी बाजारों में जो है करेक्शन जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकती है, चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो या रिफाइंड सोया ऑयल हो, क्योंकि देखिए अभी जो है इम्पोर्ट जो है वो भी हैम्पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा प्राइसेस में जो है उठा पटक का माहौल बना रह सकता है। और जहां तक गिरावट की बात है तो सोयाबीन अभी जैसे मैंने पहले बताया कि जनवरी 6400 तक नीचे गिर सकता है, वहां पर हो सकता है कि बाइंग के लिए लेवल ठीक हो। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ हितेश कुमार जी जिसका सवाल नरमे को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं नरमे के रेट 9000 तक कब तक आने की संभावना है? देखिए अगर इसी दिसंबर मंथ में अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक है जिनका सवाल लगातार चावल को लेकर आ रहा है कि चावल का बाजार आगे कैसा रह सकता है, स्पेशली 1121 का? देखिए अभी चावल के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और अभी 1121 जो है थोड़ा बहुत और अपसाइड में जा सकता है, लेकिन ज्यादा तेजी की उम्मीद में ना रहे, जो भी अभी प्रॉफिट देखने को मिले उस पर धीरे धीरे माल को लिक्विडेट भी करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
जी दर्शक जुड़े हुए हैं रेहान मोहम्मद जी, जिनका सवाल मेंथा ऑयल को लेकर आ रहा है कि मेंथा ऑयल में आगे क्या पोजीशन रहेगी और क्या करके चला जाए। मेंथा में देखिए अभी गिरावट है, मेंथा में अभी मेरे हिसाब से बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए। रूपा जी माज शेख जी हैं, जिनका सवाल डॉलर चने को लेकर आ रहा है कि डॉलर चने में आगे तेजी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए नहीं चले, और इनफैक्ट दालों के अंदर अभी तेजी का रुझान नहीं है, अभी ऊपरी स्तरों पर और प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दालों के अंदर आगे गिरावट का ही रुझान है मेरे हिसाब से। जो भी आपको बाउंस बैक आए धीरे धीरे लिक्विडेट करें, अगर माल रखा हुआ है फिजिकल में आगे तेजी की चांसेस काफी कम है। जी रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हैं सुरेंद्र सिंह जी, जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि विंटर सीजन का आगमन हो गया है, सर्दियां आ चुकी हैं, लेकिन लहसुन की कीमतें इस बार किसान को कुछ ठीक मिलती नजर नहीं आ रही हैं, जिससे किसान ज्यादा काफी ज्यादा हताश भी हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है लहसुन का बाजार आगे कैसा देखने को मिल पाएगा और क्या कीमतें रह पाएंगी? देखिए अभी लहसुन के अंदर जो है जो एक फिल्टर सीजन की डिमांड थी उसके वजह से एक्सपेक्टेड था जो प्राइजेस तेज होंगे, लेकिन प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है जिसकी वजह से प्राइजेस उठ नहीं पा रहे, और अभी फिलहाल जो है एक रेंज ही देखने को मिल सकती है। लंबी तेजी फिलहाल नहीं है लहसुन के अंदर और गिरावट भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि बाजार जो है थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार मक्के को लेकर अपना कमेंट लिख रहे हैं कि मक्के का विश्लेषण करें, मक्के के बारे में बताएं कि मक्के में आगे क्या कीमतें देखने को मिल सकती है, मक्के की आगे क्या पोजीशन रहेगी? देखिए जिस तरीके से सोयाबीन की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मक्के की एक डिमांड जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री से निकल सकती है और एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो है वो लेवल्स एक्सपेक्टेड नहीं है और ऐसा भी कोई सिनेरियो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो मुझे लगता है कि मक्के के अंदर अभी ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बना रह सकता है और अभी फिलहाल तेजी की उम्मीद काफी कम है। जी इसे रूपा जी बात करें अगर वीट की, गेहूं की, तो खबरें निकल के सामने आई कि जो भारत है वो लगातार गेहूं के निर्यात में बढ़ोतरी कर रहा है। भारत से जो गेहूं का निर्यात देखने को मिल रहा है उसमें काफी तेजी साल दर साल की तरफ से देखने को मिल रही है, काफी अच्छी तेजी है। और ये भी खबरें हैं कि जो इस बार का गेहूं का निर्यात करेगा भारत वो पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा रह सकता है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से गेहूं का भारत में हर साल रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिलता नजर आ रहा है, भारत रिकॉर्ड के मामले में उत्पादन के मामले में गेहूं का हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो क्या इस बार किसानों को गेहूं की कुछ कीमतें सुधरती हुई नजर आ सकती हैं? क्या उम्मीद की जाए कि MSP या फिर उससे ऊपर की भी कीमतें किसानों को मिलती नजर आए? देखिए अभी ये उम्मीद करना थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। अब देखिए जिस तरीके से कोरोना की वेव आने की चांसेस बढ़ गए हैं उससे आप समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो हैम्पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और कीमतें अभी कहाँ जाएंगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि देखिए प्रोडक्शन ओवरऑल ज्यादा है और एक्सपोर्ट कितना होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अभी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इसके चलते क्योंकि गेहूं में अभी फिलहाल तेजी की उम्मीद नहीं है। रूपा जी दर्शक जुड़े हुए गणेश मल जी, जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहे, ये जानना चाह रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में तेजी कब तक देखने को मिल पाएगी? मंदी तो हम देख ही रहे हैं लेकिन तेजी देखने में कितना समय लग पाएगा? देखिए इसमें तेजी आने को तो आपको हो सकता है कि अगले 10 दिनों में तेजी बनती हुई दिखाई दे, और अभी देखिए जैसे आज क्रूड जो है संभलता हुआ दिखाई दिया है, देखिए उसका भी एक जो है वैसे बहुत ज्यादा कोई असर नहीं होता है लेकिन फिर भी इसको कोरिलेट किया जाता है इसके साथ, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में भी फिसलन आती हुई नजर आई है और तेजी आने में आपको 10 से 15 दिन में भी हो सकता है कि तेजी वापिस से बनती हुई दिखाई दे। जैसे कि मैंने टेक्निकली बताया 10,000 अहम सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो ये तेजी आपको हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक बनती हुई दिखाई दे। जी रूपा जी दर्शक जुड़ में राजेंद्र गुप्ता जी, जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रही है, ये जानना चाह रहे हैं आज कॉटन में बाजार कैसा रहेगा इंट्राडे के अंदर? आज इंट्राडे में तेजी है और एक्सपेक्टेड है कि आज 32,000 के ऊपर वायदा में बाजार निकल सकता है। जी इसे रूपा जी बात करें अगर ऑनियन की, प्याज की, तो प्याज की कीमतों में हमने पहले नरमी आते हुए देखी थी, फिर हमने तेजी आते हुए भी देखी, बीच में सरकार ने भी नेफेड द्वारा जो स्टॉक किया गया था प्याज का वो भी जारी किया है मंडियों के अंदर। जिन जिन राज्यों में कीमतें काफ़ी ज़्यादा तेज देखने को मिली थी उन उन राज्यों में नेफेड का प्याज भी जा रहा है, और कुछ खबरें ऐसी भी निकल के सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र में कुछ व्यापारियों ने प्याज का आयात भी करा है, तुर्की और ईरान का प्याज भी महाराष्ट्र की मंडियों में देखने को मिला है। ऐसे में आपकी क्या राय है कि प्याज के ऊपर, कि प्याज का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है,
जिस हिसाब से हमने प्याज में तेजी बनती देखी थी, क्या वो कायम रह सकती है? और किसानों को अभी हाल फिलहाल में प्याज में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, अभी फिलहाल प्याज के अंदर तेजी जो है वो थमती हुई नजर आई है और प्याज के दाम अपने रिकॉर्ड स्तरों से गिर चुके हैं। तो जो एकदम तेजी देखने को मिल रही थी वो अब कहीं ना कहीं थमती हुई दिखाई दी है। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक अगर प्रदेश के महाराष्ट्र के किसानों की बात करें तो उन्हें अभी कीमतें जो है वो काफी नीचे देखने को मिल रही हैं। कुछ एक जगहों पे हमने देखा है कि 400 रुपए प्रति क्विंटल तक की भी गिरावट आई है। तो अभी फिलहाल 2022 तक ये अभी देखना होगा कि आगे प्याज की कीमतें कैसी रहती हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो खेती प्याज की लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी है और जो अभी पीछे फार्मर्स ने अच्छी खासी इसमें सोइंग करते हुए दिखाई दी है, लेकिन किसान वहीं निश्चय निराश भी है कि उनको इस बार प्याज का उचित दाम नहीं मिल पाया है। और अभी तो काफी इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से फार्मर्स की इनकम डबल होगी अगर जो कीमतें हैं लगातार हम देख रहे हैं कि बिचौलियों को कहीं ना कहीं इसका फायदा देखने को मिलता है, डायरेक्टली फार्मर्स तक जो है वो प्राइसेस नहीं पहुंच पाते हैं। और अभी प्याज का दाम अभी उम्मीद नहीं है कि वापस से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंपोर्ट किया जा रहा है, नया प्याज भी आ चुका है मंडियों में। तो फिलहाल प्याज की कीमतें जो है अब गिरती हुई ही दिखाई देंगी, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा भी तेजी नहीं है जी। तो यानी कि प्याज में अभी रूपा जी के अनुसार बहुत लंबी तेजी नहीं है, नरमी बनती नजर आ सकती है कुछ, क्योंकि नई प्याज भी मंडियों में ठीक है, आवकें भी ठीक ठाक हैं और आयात भी हो रहा है, व्यापारी जो है आयात के ऑर्डर्स दे रहे हैं तो आयात भी हो रहा है प्याज का, जिसकी वजह से प्याज की जो आवकें हैं ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो लहसुन और प्याज दोनों का ही बाजार अभी मंदी में देखने को मिल सकता है रूपा जी के अनुसार। रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आ रहा है। हिम्मत भाई जी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल कैस्टर को लेकर है कि कैस्टर में क्या करें, अभी होल्ड करके चलें, थोड़ा वेट कर लें कि भाव नीचे गिरे फिर पोजीशन बनाई जाए, या फिर दूरी बना के रखें? देखिए, अभी वेट कर लीजिए, अगर नीचे में 6200 के आसपास मिलता है तो वहां पर आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं जी। रूपा जी, दर्शक है हमारे साथ पूनम चंद जी जिनका सवाल चने को लेकर आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं चने में मार्केट आगे कैसा रह सकता है? देखिए, चने के मार्केट में आगे हमें लगता है कि गिरावट बनी रह सकती है जी। तो यानी कि चने के मार्केट में आगे गिरावट बनी रह सकती है। रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि वो कौन सी कम्युनिटीज होंगी, वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अच्छा मुनाफा कमा के दे सकती हैं? देखिए, अगर आज अगर हम बात करें हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और अगर इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इंट्राडे के अंदर आज आपको जो तेजी देखने को मिल सकती है वो अभी तो फिलहाल सभी कमोडिटीज लाल रंग के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। एक धनिया है जो अपसाइड में जा सकता है, धनिया के अंदर आप जनवरी वायदा में बाइंग कर सकते हैं, आज ऊपर में एक्सपेक्टेड है 9100 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और धनिया के साथ साथ हल्दी भी थोड़ा पॉजिटिव दिख रही है, हल्दी के अंदर भी अपसाइड बन सकता है और हल्दी जो है ऊपर में 8600 तक जनवरी अप्रैल वायदा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये दो कमोडिटीज और गिरावट पर आप बिनौला खल पर नजर रखिए, बिनौला खल के अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी मासा जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।